यहाँ के बच्चे मुझे मालूम है ज्यादातर यहाँ पढ़ा लिखा पता है, बहुत से इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो नस पोइट्री और नस प्रोज तीन दवा में पेश कर दिया। हाँ उसे बता दिए सबको बात पहुंच रहे हैं। मुझे आज सिर्फ रसूल अकरम की इताअत को पेश करना। वमा सल्लम रसूल इल्ला
हमने किसी रसूल को नहीं भेजा सिवाय इसके के अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जा, किसी रसूल को नहीं भेजा सिवाय इसके के उसकी इताअत की जा। पहली मजलिस में मैंने आयत पेश की थी, वमन युतीर रसूल, और जो खास रसूल की इताअत करे फकत अल्लाह, ऐसा है जैसे उसने अल्लाह की इताअत की। यानी सारे अंबिया मासूमीन है, सब मासूम है, क्योंकि उनकी इताअत अल्लाह की इताअत है। कभी अल्लाह किसी गैर मासूम की इताअत को अपनी इताअत नहीं कहता। क्यों? कभी ऐसा ना हो कि ये किसी ऐसी इताअत का हुक्म दे दे जो मेरी इताअत के बरखिलाफ हो। फरमा रही साहब ये शर्मा दुल्ला सारे मुस्लिम तवज्जो के लिए, माँ बाप के इताअत को वाजिब करार दिया अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर, कहा माँ बाप के इताअत करो, लेकिन खुद ही फिर कुरान में कह दिया अगर अल्लाह की इताअत के बरखिलाफ हुक्म करे पता चुके हम तो उनकी इताअत ना करना। माँ बाप के इताअत से कहा जहाँ अल्लाह के इताअत से टकरा जाए इताअत ना करना, लेकिन जब रसूल की और उलिल अम्र की इताअत के लिए कहा तो नहीं कहा कि इताअत ना करना, क्योंकि हर आदमी का पथ चलता कहता है यहाँ पे ये अल्लाह की इताअत में नहीं है। या आपकी कराची की जबान में बता दूं कोई ये कह सकता था अब रसूल नहीं है इताअत नहीं करना, अब है। मुझे आज हस्ती रसूल खुदा को पेश करना जिनकी इताअत तमाम मुसलमानों पे वाजिब है, बिना पर आयतें पढ़ा क्यों वाजिब है, किस हद तक वाजिब है, आया कहीं कहीं मानना उनकी इताअत को छोड़ा जा सकता है, बस मुझे इसको पेश करना। बहुत से खुद कलमा को ये मुसलमान ने आयत पेश कर देते हैं अना बशर मिस्ल को इल्ला यूहा इलैया, मैं तुम जैसा बशर हूं सिवाय इसके के मुझ पे वही नाज़िल होते। तीन पहलुओं को पेश करता कहता हूं इस आयत के जरिए मुझे इताअत के रसूल खुदा को समझाना अपने बच्चों को नौजवानों को खास तौर से। और क्या अल्लाह फरमा रहा है कि कुल, आप कह दीजिए मेरे हबीब कि मैं तुम जैसा बशर हूं। अब यहां तमसील किस चीज में है, बशर होने में, यह नहीं कि अना रजुल मिन मिस्लकुम, मैं तुम जैसा आदमी हूं तुम जैसा मर्द हूं, नहीं मैं तुम जैसा बशर हूं। इंसानियत ने मिसाल दी है, ताकि जो कह रहे थे ये तो आसमान से आए हैं, ये नमाजें पढ़ते तो हम भी पढ़े, ये रोजे रखते तो हम भी करें, ये और है हम और है। अल्लाह का कह दीजिए मैं भी तुम जैसा बशर हूं, मैं भी तुम जैसा बशर हूं, फरिश्ता नहीं हूं। फिर अल्लाह ने कहा अगर फरिश्ता भी भेज देता करके उस पर भी एतराज करते, ये तो फरिश्ता है, तो एतराज करने वालों को हर बात पर एतराज होगा, मानने वालों को किसी बात इल्ला
पहुंच रही है तेरे दिमाग में। हाथों में रखते हैं, यहाँ तक हदीस से है जो जिक्र हुसैन
नहीं पहुंचा सका। अगर उससे लाजमी हो तो नाम पे,
पहुंचे या नहीं पहुंचे, इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता। या लाजमी के गुनाह करें या मुमकिन, ये दोनों तो हमने बात साबित कर दी कि नहीं हो सकता। और तीसरा, नामुमकिन है गुनाह करें। अगर नामुमकिन है कि गुनाह करें, नामुमकिन है कि गुनाह करें, मुमकिन ही नहीं कि गुनाह करें, इसी को तो मासूम कहते हैं। अगर बात पहुंच गई है जारी, बात पहुंच गई जारी नहीं आ, मैं कल जारी रखूंगा। अब रसूल अकरम अल्लाह के बेटे हैं, उनकी इबादत वाजिब है। मुझे सिर्फ 5 से 10 मिनट इस मौजू को मुकम्मल कर लूं। कितनी इबादत वाजिब है, किस हद तक इबादत वाजिब है, एक आयत में शर्त, वक्त रहा तो एक हदीस। कुरान करीम फरमाता है, मा आताकुम रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो कुछ माए मौसूला उलमा मौजूद है, मैंने मौसूला माए मौसूला अपने दामन से किसी को जाने नहीं देता। थोड़ी सी बात कर रसूल अकरम ने फरमाया, मन कुन तो मौला वहां का अली मौला, जिस जिस का मैं मौला उस के अली मौला, जिस जिस का मैं मौला। अब जो जो रसूल खुदा की विलायत में है उससे लाजिम है कि माने मेरा वली मेरा मौला अली है। ये नहीं कह सकते हमें कुरान काफी है, हदीस नहीं
हदीस भी अल्लाह ने कुरान में कह दिया, मेरे रसूल ने भी है, जो रसूल भेजे कबूल करना वाजिब है, कुरान की रूह से जरूरी है। अल्लाह ने कहा, अब आइए जरा रसूल अकरम की हदीस भी पेश करो। तमाम मुसलमान इस हदीस को पेश करते हैं, मुझे टीवी देखने का मौका नहीं मिलता है, तफाकन देख रहा था, हत्ता हमारे हसूल भाई बड़े बड़े बदमाश देखते बदमा होंगे इस हदीस को पेश कर रहे हैं, शिया सुन्नी तमाम को कफिल है, तमाम मुसलमान आने आ रहे हैं जो रसूल अकरम को मानते हैं इस हदीस को पेश करते हैं कि हबीब खुदा ने फरमाया, जब तक कि मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप बहन भाइयों और औलाद और तमाम के तमाम तुम्हारे अकबरा माल और दौलत से ज्यादा अजीज ना हो तो अभी तक मुझसे ईमान नहीं लाए, हर चीज से ज्यादा अजीज हो रसूल खुदा, जब तक कि मैं तुम्हें तुम्हारे हर चीज से हर रिश्ते से हर दौलत हर माल से ज्यादा अजीज का ना होगा तब तक मुझसे ईमान नहीं लाए, रसूल खुदा जब तक हमारे हर चीज से हमें ज्यादा अजीज का ना हो मुझे मेरे इसलिए तो आप ज्यादा पढ़ते रहे कहते हैं मेरे माँ बाप आपका होगा, माँ बाप को नाराज होगा सब कुछ होगा, मेरा घर बार सब कुछ आपका होगा, क्या रसूल अल्लाह आपने बनाया, जब तक मैं अपने हर मानने वाले की निगाह हो उसकी हर शय से ज्यादा अजीज करने बन जाऊं तब तक मुझे ईमान नहीं आ रहा, और अगर कोई रसूल खुदा को इतना अजीज हो मेरे इस नवासे की मदद जरूर करना। अब
एक सच फिर आ गई, इमाम हुसैन आवाज दे रहे हल में नासरियां छोड़ा। रसूल खुदा की इताअत वाजिब है, इताअते मैंने भी पूरी मजलिस इताअते रसूल खुदा से पढ़ी है। रसूल खुदा की इताअत वाजिब है। अब वो रसूल खुदा की आवाज अभी भी फजा में थी, फन स्वरूप हो इसकी मदद जरूर करना। अब इमाम हुसैन फरमा रहे हल में नासरियां छोड़ा, है कोई जो हम मजलूमों की मदद के लिए आए। सैयदुल शहदा ने जुमला दोहराया, शायद कोई आ जाए, कोई नहीं आया। वो जो आपके साथ है सब शहीद हो चुके थे। आपने अपने सफर से पहले अपने चचा का भाई हजरत मुस्लिम अपने अकेले को कूफे भेजा था और उन्होंने मौला वक्त लिखा था मौला इराक चले आइए, 16,000 लोगों ने मेरे हाथ पे बैत की है। हमारे यहाँ गैर मासूम की बैत नहीं होती, जब तक के खुद ना इमाम कहते इसका हाथ मेरा हाथ है, इसके हाथ पे बैत कर लो, तुमने मेरी बैत की है। तो आज दरखास्त थी कि हजरत मुस्लिम ने अपील के और उनके फर्जंदान के मसा तंजुमा में पेश करूँगा। हजरत मुस्लिम ने अपील बहुत मजलूम है, जब आए कूफे ये जब अफीर है मुझे बताया हजारों दसियों हजार लोग बैठे हैं कि सामने कई हजार अफराद, 5-10,000 तो यही सामने नजर आ रहे हैं, फिर हर सड़क पे मजमा 1.5 किलोमीटर से ज्यादा मजमा, इतने लोग हैं। मस्जिद कूफा भर गई, 16,000 अफराद आए नमाज पढ़ने के लिए मगरिब इशा की। मगरिब की नमाज तमाम हुई, एक आदमी ने आके सिर्फ किसी के कान में कहा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने फतवा दे दिया मुस्लिम का जिंदा या मुर्दा सर चाहिए, या कोई गिरफ्तार करवा दे या उसकी मुखबिरी कर दे उसे इतना इनाम मिलेगा। अब जो जो मुस्लिम के साथ है याद रखो यजीद की बगावत है, यजीद ने हुसैन से बैत मांगी थी, हुसैन ने मना कर दिया। एक मरतबा लोग जान बचाने की खातिर एक इकट्ठे निकलने लगे, क्या अब जो भी मुस्लिम का साथ देगा वो मारा जाएगा। बुरे वक्तों में साथ देना बड़ा मुश्किल काम होता है। एक मरतबा जनाब हुसैन के दो बेटे थे इब्राहिम और मोहम्मद, हुजूम जो निकला उस हुजूम में धक्के खाते हुए कई बच्चे बाहर निकल गए, जनाबे मुस्लिम बिल्कुल तने तनहा रह गए। अब जितने जानने वाले थे सोचा किसी के घर जाऊंगा वो मेरी वजह से परेशानी में आ जाएगा, हबीब के घर जाऊंगा उन्हें मार दिया जाएगा। और खबर आम हो गई कि हानी इब्ने उरवा सहाबी रसूल जो बुजुर्ग थे ज़ईफ़ुल उम्र थे सिर्फ इस जुर्म में शहीद कर दिया गया कि मुस्लिम को अपने घर पर रखा था, मुस्लिम अपने अकील अली सलाम को अपने घर पे पनाह दी थी, उन्हें शहीद कर दिया गया, गला काट दिया गया। जनाबे मुस्लिम समझ गए अब कूफे में कोई साथ ना देगा और अगर कोई दे भी तो वो मेरी वजह से मारा जाएगा, बहुत दलेर थे जनाबे मुस्लिम ने अकील। एक मरतबा जनाबे मुस्लिम कूफे की गलियों में, वक्त नहीं रहा थोड़ा सा वक्त अगर ज्यादा ऊपर रहेगा, कूफे की गलियों में धक्के खाते हुए एक घर की दहलीज पे बैठ गए। एक मोमिना नाम तौका का बाहर आए सवाल किया ऐ अब्द खुदा अपने घर क्यों नहीं जाते हैं, बड़ा पूरा शोक और है अपने घर जाइए। जनाब मुस्लिम ने नजरें झुका के कहा ऐ कनीज़े खुदा घर हो जाता है इसका घर हो, जो बेघर हो वो घर नहीं जा सकता। तो उस मोमिना ने कहा लिबास तो बहुत अच्छा मालूम होता है और आपका चेहरा भी बहुत खूबसूरत भी है और आप खानदानी मालूम होते हैं, आपका घर नहीं है। कहा घर है लेकिन मदीने में है, मैं कूफे में परदेशी हूं, यहां मेरा कोई घर नहीं था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्लिम इब्ने अकील है। अब कौन सी अकील की बेटी है? क्या मैं अकील इब्ने अबी तालिब का बेटा हूं? क्या अली इब्ने अबी तालिब से आपका क्या रिश्ता है? वो मेरे चचा भी थे और मैं उनका दामाद भी हूं। वो मोमिना थी मौला की मानने वाली, कहा कि मेरा घर हाजिर है पनाह ले लीजिए। कहा कि नहीं मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपके कोई परेशानी आ जाए। कहा नहीं घर तशरीफ ले आइए। बूढ़ी खातून थी, कहा कि मैं खाना कहें तो खाना ला दूं, शरबत है आपकी ऊंट जब खुश्क है मालूम होता है कि आप बहुत थक गए हैं, खाना नहीं चाहिए हो सके कुछ पानी दे दीजिए, पानी पीना भी चाहता हूँ, वजू करके तहज्जुद की नमाज पढ़ना चाहता हूँ, रात बहुत हो गई। तहज्जुद की नमाज के लिए वजू किया,
जनाब मुस्लिम जैसे ही तहज्जुद पढ़ने के बाद रसा रखे बैठे, अचानक आंख लगी, देखा मौला अली अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए का बेटा मुस्लिम मैं लेने के लिए आया हूँ। जनाब मुस्लिम समझ गए आखिरी रात है, उठे दोबारा इबादत शुरू कर दी। इतने में उस मोमिना का बेटा आया हारिस या मुबक्कुन, घर पहुंचा तो मुनाफिक था, अब बेटा इतनी देर से कहाँ से आए? क्या अम्मा मैं मुस्लिम ने अपील की तलाश कर रहा था, वो बैदुल अपने ज़ियाद ने इनाम रखा का बेटा तौबा कर वो अली के दामाद हैं, वो बहुत परगुजीदा है, भाई सब नहीं रहा बताया क्या नहीं मुझे इनाम चाहिए। एक मरतबा उसे महसूस हुआ घर में कोई मौजूद है, उसने जाके देखा जनाब मुस्लिम मौजूद है, फौरन गया उबैदुल अपने ज़ियाद को मुखबिरी की। फजर के बाद दरवाजे पे पूरी फौज आ गई, 300 फराते 400 फराते पूरा लश्कर आया जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार करने। आवाजें सुनना थी घोड़ों की, जनाब मुस्लिम ने तलवार खींची, दरवाजा खोला, बूढ़ी खातून ने कहा बाहर मत जाइए पूरी फौज है। कहा आपने एहसान किया था घर में पनाह दी थी, मैं कभी नहीं चाहूंगा मेरी वजह से आपके घर पे हमला हो, मैं सबका मुकाबला खुद करूंगा। जनाब मुस्लिम ने जंग शुरू की, 300 अफराद को तहस नहस कर दिया, कुछ ही देर में सबको मार दिया। उस आदमी ने दोबारा उबैदुल इब्ने ज़ियाद को खत लिखा, दोबारा फौज भेज, उसने 400 अफराद फिर भेजे। जब तीसरी दफा या चौथी दफा फौज मंगवाई तो उबैदुल इब्ने ज़ियाद ने कहा एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए तुम बार बार फौज मंगवाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने कहा यह आम आदमी नहीं है, ये अली का भतीजा है, अली का शागिर्द है, इसने जंग करना अभी से सीखी है, तलवार चलाना अभी से सीखी है। एक मरतबा जब नई फौज आई तो उन्होंने कहा ये सारे अफराद इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, अगर कोई करीब चला जाए तो ये गिरबान में हाथ डाल के दीवार पे फेंक देता है, धोखा दे के गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने जमीन में जगह जगह गड़े खोदे, बस भाई मैंने तमाम कर दिया। गड़े खोदने के बाद उन्होंने एक मरतबा जनाब मुस्लिम से कहा मुस्लिम हम आपको अमान देते हैं, कहा कि पसंद खाओ तो मैं अमान को मानूंगा। इधर से भी हमला किया, गलियां तमची मुफे की, जनाब मुस्लिम कभी इधर जाते सिपाहियों के पीछे मारने के, उधर गड़ा खोदा हुआ था, मरतबा गड़े में गिरे। उन्होंने कहा कि अमान देते हैं तलवार दे दीजिए, जैसे जनाब मुस्लिम ने तलवार दी उन्होंने गले में रस्सियां जंजीरें डालना शुरू कर दी। जनाब मुस्लिम ने बस एक जुमला कहा हाँ था अब बल बदल, ये पहला धोखा है, तुमने खुदा की कसम खा के इतना बड़ा धोखा दे दिया। गिरफ्तार करके कहा कि आओ उबैदुल इब्ने ज़ियाद को सलाम करो। जैसे ही देख के आए जनाब मुस्लिम दारुल इमारा के दरवाजे पे खड़े थे, एक आदमी आया, कहा मुस्लिम आप मुस्लिम पे अपील नहीं है? कहा हाँ। ये क्या हालत बना रखी है, जब बटे हुए हैं पूरे बदन पे हाथ है, क्या मुझे गिरफ्तार किया धोखा देके? तो कहा कुछ खिदमत कर सकते हो तो बताइए, अगर हो सके तो थोड़ा पानी पे डालो, मैं सुबह से प्यासा हूँ कल से कुछ नहीं खाया, बहुत शदीद प्यास है, रात में कुछ पानी मिला था सारा दिन जंग करता रहा। एक आदमी ने एक प्याले में पानी ला के दिया, जनाब मुस्लिम लबों के करीब लेके गए, जैसे ही लबों के करीब लाए लब कटे हुए थे, तलवार के मारों से खून बहने लगा, पूरा प्याला खून से भर गया, कहीं खून आलूद हो गया है, मुझे नया पानी ला दो। दोबारा पानी लेके गए करीब, दोबारा पानी खून से भर गया। जब तीसरी मरतबा पानी आया तो जनाब मुस्लिम ने कहा लगता है खुदा यही चाहता है मैं उसकी बारगाह में प्यासा जाऊं। ये 9 से नहीं है, वहां जनाब सैयदुल शहदा तड़पने लगे, मैंने सारे मसाद तमाम कर लिए, बहुत तफसील से जनाब मुस्लिम के मसाद पढ़ता हूँ, वक्त नहीं है। जनाब सैयदुल शहदा को खबर हो गई तड़पने लगे इमाम है, जनाब अब्बास ने मौला के चेहरे को देखा, कहा मौला क्या बात है? कहा अब्बास कूफे में मुस्लिम बना है, एक मरतबा दारुल इमारा की छत पे ले गए जनाब मुस्लिम को, उनके हाथों को खुश पे बांधा, एक मरतबा दोनों घुटनों पे जनाब मुस्लिम को रखा, कहा सर अपना बाहर निकालिए, एक मरतबा जनाब मुस्लिम के आंसू बहने लगे। जन्नत ने पूछा क्या बात है? मौत से डर गए? का नहीं, मुझे मौत से डर नहीं लगता। तो फिर रो क्यों रहे हैं? कहा वो इस बात पे रहा हूं मेरे मौला करबला आ रहे हैं। कहा आपके मौला के साथ अब्बास है अली अकबर है, कहा मुझे उनकी वजह से परेशानी नहीं, परेशानी इस बात पे मेरे मौला बहनों के साथ आ रहा हूं, अली और बतूल की बेटियां मेरे मौला के साथ जनाब मुस्लिम के जैसे ही सर रखा गया, जल्लाद ने तलवार उठाई, वहां जनाब सैयदुल शहदा ने मतलब जनाब अब्बास को देखा, मौला अब्बास ने कहा मौला क्या बात है? कहा अब्बास मेरी दो उंगलियों के दरमियान देख रहा है। जनाब अब्बास ने देखा, कहा मौला तो बड़ा ही मजलूम आदमी है,
अपने जमीन पे हाथ बैठे हुए हैं। एक मतलब जाकर पास में देखा तो मौला उसकी माँ उस तारे ने मारा के जमीन पे अपने घुड़के का दामन फैलाए बैठी है। जनाबे सैयद शहदान ने फरमाया होगा पास गौर से देखो वो उसकी माँ नहीं मेरी माँ है, वो मेरी माँ है। जैसे ही इमाम हुसैन की बात में आई मौला हुसैन मसरत से खड़े हो गए। बहन को आता देखा मौला के आंसू बह रहे थे। आगे बढ़े सर पे हाथ रखा जनाबे आतिका के, शक्कर का हाथ रख रहा था। जनाबे आतिका हाशमी बच्ची थी, बहुत सहीन थी। एक मरतबा दिल रखा जनाबे आतिका ने, मामू जान मेरे बाबा खैरियत से हैं? मामू जान आपने मेरे सर पे ऐसे हाथ रखा है जैसे यकीनों के सर पे हाथ रखा जाता। मौला सैयद शहदा ने फरमाया बेटी आतिका अपने आप को यकीन न समझना, बेटी अभी बाबू से कहा है मैं आपको कभी यकीनी का एहसास नहीं होने दूंगा। मौला ने आबादी जैनब जरा मेरी संतोषी ला दीजिए। जनाबे जैनब संतोषी ला, राजी कहता है मौला हुसैन ने अपने हाथों से संतोषी से दो तालियां निकाली। अपने हाथों से जनाबे आतिका के कानों में नई बालियां पहना, हाथों से बालियां पहना, बालियां पहना का बेटी का ईद है अभी मामू जिंदा है। मौला ने बहुत रो के प्यार किया अपनी भांजी को। एक कदीम में खड़ी चार बरस की 3 बरस की बच्ची देख रही थी, 3 बरस की बच्ची देख रही थी। अगर कोई बच्ची यतीम हो उस बच्ची के सर पे शक्कर का हाथ रखा जाता है, उस बच्ची के कानों में नई बालियां पहनाई जाती है। दुआ की है सबकी दुआएं मुझसे जाता है, बे औलादों को औलाद दिलाया था।
परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, हज व ज़ियारात की तमन्ना रखने वालों को हज व ज़ियारात नसीब फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता अपने इज्जत व जलाल का, हम सबको सर्वज़मान का सुरूर देखना नसीब फरमा। परवरदिगार दुनिया में हालात बहुत सब खराब है, इस वक्त पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में बहुत हालात खराब है, कश्मीर में, इराक में, शाम में, बहरीन में, यमन में, फिलिस्तीन में। परवरदिगार सबकी हिफाजत फरमा। परवरदिगार ऐसे इमानदारों को तरक्की इनायत फरमा, जहाँ जहाँ पे भी लोग अदाकारी कर रहे हैं सबकी हिफाजत फरमा। परवरदिगार असीरान करबला का वास्ता हमारे तमाम असीरों को रिहाई की खबर इनायत फरमा। परवरदिगार हमारे तमाम मरीजों को शिफाए कामला अजर इनायत फरमा। परवरदिगार जितने लोगों ने इंतमा से दुआ की है सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। जो हाथ बुलंद हैं किसी को रद्द न फरमा। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المقبولين